हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी फुटबॉल होस्ट आकाश त्यागी। आज हम बात करेंगे सीरिया के मैच क्रेमोनीज वर्सेस एम्पोली की। हर बार की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस रिजल्ट्स, टेबल स्टैंडिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की भी। पर फ्रेंड्स, इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। जी हां गाइस, फाइनली व्यू स्पोर्ट ऐप लॉन्च हो चुका है। इस ऐप में आपको मिलेगा लाइव स्ट्रीम ऑफ द मैचेस, लाइव स्कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, आर्टिकल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सारी फुटबॉल लीग्स के प्रिव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन भी। जी हाँ फ्रेंड्स, ना सिर्फ कुछ फेमस लीग्स जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा, इटालियन लीग या फ्रेंच लीग, बल्कि वो सारी लीग्स जिनके बारे में शायद आप पहले उतना नहीं जानते थे, जैसे कि जे लीग, अर्जेंटीनियन लीग, MLS, इजिप्शियन लीग, सऊदी अरेबियन लीग, जितनी भी फुटबॉल लीग्स दुनिया में होती हैं, उन सब के प्रिव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। ना सिर्फ फुटबॉल बल्कि क्रिकेट का भी सारा कंटेंट आपको इस ऐप में रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, चेक इट आउट व्यू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे आज के मैच की। सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्रेमोनीज की, तो इन्होंने अपना पिछला मैच 3-2 जीता था वर्सेज सैम्पडोरिया, जिसमें गोल स्कोरर थे पाओलो गिगिलोन, ल्यूका लोकोविशली एंड लियोनार्डो सरनिकोला। वहीं पर अगर बात करें एम्पोली की, तो इन्होंने अपना पिछला मैच 0-0 ड्रॉ खेला था वर्सेस एसी मिलान। अब बात करते हैं लीग टेबल स्टैंडिंग्स की। अगर बात करें क्रेमोनीज की, तो ये इस समय सीरिया टेबल में 19th पोजीशन पर है। इन्होंने खेले हैं 29 मैचेस, जिसमें इनके हैं 16 पॉइंट्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 26 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 54 गोल्स। वहीं पर अगर बात करें एम्पोली की, तो एम्पोली इस समय है 14th पोजीशन पर। इन्होंने खेले हैं 29 मैचेस, जिसमें इनके हैं 32 पॉइंट्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 25 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 36 गोल्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एंड बात करें प्रोबेबल लाइनअप्स की, मैं आपको बता दूं दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जिसने भी विजन 11 पे टीम बनाई है, असली खेल तो वही करेंगे। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। तो अब बात करते हैं हमारी प्रोबेबल लाइनअप्स की। अगर बात करें क्रेमोनीज की, तो फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग क्रेमोनीज एक 3-4-1-2 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं कार्नेशी, थ्री मैन डिफेंस में हो सकते हैं फरारी, बेनकेटी एंड लॉचो शिवेली। फ्रेंड्स, लॉचो शिवेली एक इंपॉर्टेंट पिक है फ्रॉम फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने लास्ट मैच में भी गोल स्कोर किया था और ये रेगुलर बेसिस पर गोल स्कोर करते रहते हैं। तो डिफेंसिव ड्यूटीज़ के साथ साथ ये अपनी ऑफेंसिव ड्यूटीज़ भी पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं और हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। इन्हीं की तरह फरारी एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, जो डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस में भी रोम करते हैं। वहीं पर अगर फोर मैन मिडफील्ड की बात करें, तो यहाँ पर हो सकते हैं सरनिकोला, मेट, कास्टग्नेटी एंड क्वेग्लियाटा। अगर बात करें सरनिकोला की, तो ये भी एक और इम्पॉर्टेंट मिडफील्डर होते हैं। इन्होंने भी लास्ट मैच में गोल स्कोर किया था। सो ये अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज़ के साथ साथ, एक डिफेंसिव मिडफील्डर होने के साथ साथ, ये अपनी ऑफेंसिव ड्यूटीज़ का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो ये हमें इंटरसेप्शन, टैकल्स के अलावा चांस क्रिएशन, शॉट्स ऑन टारगेट, असिस्ट एंड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, गोल से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर दे सकते हैं। वहीं पर अगर थोड़ा सा आगे चले, तो इनके एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं बोआइन्यूटो। बोआइन्यूटो एक और एक्साइटिंग पिक है, एक एक्साइटिंग टैलेंट है, जो कि मोर लाइक अटैकिंग मिडफील्डर है। ये हमें शॉट्स ऑन टारगेट एंड चांस क्रिएशन से काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। रिसेंटली थोड़े पुराने मैचेस से अपनी फॉर्म पिक कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें टू मैन ऑफेंस की या फिर अटैक की, तो यहाँ पर हो सकते हैं डेसर्स एंड सैट जाओ। अगर बात करें डेसर्स की, तो वो इनके स्टार प्लेयर हैं। वो अब तक पांच गोल स्कोर कर चुके हैं और 2 असिस्ट भी दे चुके हैं। फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, हमारे लिए डेसर्स एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, ना बल्कि इंपॉर्टेंट बल्कि कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ऑप्शन भी आराम से बन जाते हैं। अगर बात करें एम्पोली की, तो फ्रेंड्स, एम्पोली हमारे अकॉर्डिंग एक 4-3-3 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं विसारियो, फोर मैन डिफेंस हो सकता है इबुही, डिविंटर, ल्यूपोटो एंड परिसी। फ्रेंड्स, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पोली के शायद चारों ही डिफेंडर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये ना सिर्फ अपने डिफेंसिव ड्यूटीज से हमें पॉइंट्स दिलाएंगे, बल्कि ऑफेंसिवली भी काफ़ी स्ट्रांग हैं एंड
हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि एम्पोली शायद थोड़ा ज्यादा पोजीशन रखेगी इन कंपैरिजन टू क्रिमिनीज, तो शायद ये इंटरसेप्शन और टैकल्स एंड पासिस से भी हमें काफी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। वहीं पर अगर थ्री मैन मिडफील्ड की बात करें तो यहाँ पे हो सकते हैं बेंडिनेली, मरीन एंड फजीनी। मरीन एक मस्ट पिक है फ्रेंड्स हमारे लिए फ्रॉम फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू। ये इनके कंप्लीट मिडफील्डर हैं, ये ऑलरेडी दो असिस्ट दे चुके हैं, बट ये उसके अलावा चांस क्रिएशन, शॉट्स ऑन टारगेट एंड मोर लाइक डिफेंसिव ड्यूटीज भी प्ले करते हैं। तो ये ओवरऑल एक एक्साइटिंग मिडफील्डर हैं जो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इवन हम इनको वाइस कैप्टन करने के लिए भी सोच सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें थ्री मैन अटैक की तो वहां पर हो सकते हैं बल्डांजी, पिकोली एंड कपूटो। फ्रेंड्स बल्डांजी एक और एक्साइटिंग पिक हो सकते हैं जो ऑलरेडी 4 गोल स्कोर कर चुके हैं एंड कपूटो इनके स्टार प्लेयर हैं जो 3 गोल स्कोर करके 4 असिस्ट भी हमें दे चुके हैं। कपूटो एक एक्साइटिंग कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ऑप्शन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब लास्टली हम बात करते हैं हमारे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की। फ्रेंड्स क्रिमिनीज ने काफ़ी स्ट्रगल किया है इस सीजन में और यही रीजन है कि शायद वो 19th प्लेस पर बैठे हैं, बट जो उनकी रीसेंट फॉर्म है जो उन्होंने सैम्पडोरिया के अगेंस्ट दिखाई थी अभी, उससे उनको कुछ होप मिलती है। उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी हैं जो हम अपनी टीम के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट क्रिमिनीज को हम हल्के में नहीं आंक सकते क्योंकि उन्होंने अपने लास्ट 5 मैचों में से 4 मैचों में अपने होम पर जीत दर्ज करी है। तो इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने होम पर क्रिमिनीज एक अच्छी खासी टीम है जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते। वहीं पर अगर एम्पोली की बात करें तो एम्पोली एक सॉलिड मिड टेबल टीम है इस सीज़न एंड उनको भी किसी हालत में आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उन्होंने बैक टू बैक क्लीन शीट्स भी रखी हैं एंड शायद वो इस वाले मैच में अपनी उस क्लीन शीट की जो रिकॉर्ड है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि एक स्ट्रगलिंग क्रिमिनीज साइड के अगेंस्ट है। वैसे तो एम्पोलीज गेम में इस मैच में क्लियर फेवरेट्स हैं, बट येस लाइक आई सेड हम क्रिमिनीज के होम पे उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यही सोचते हुए हमने हमारा टीम कॉम्बिनेशन भी बनाया है। इसमें गोलकीपर हो सकते हैं कारनाशी, फोर मैन डिफेंस होंगे लुपर्टो, एब्योही, परीसी एंड लॉचो शिवली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉचो शिवली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्रिमिनीज के लिए, उन्होंने लास्ट मैच में गोल भी स्कोर किया था। यही देखते हुए हमने उनको अपनी फैंटेसी टीम में लिया है। उसके अलावा तीनों इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स फ्रॉम एम्पोली हमने यहाँ पर लिए हैं। मिडफील्ड में हमने लिया है बियोनिता, बैंडिनेली, मरीन एंड बल्डांजी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मरीन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो ऑलरेडी 2 असिस्ट दे चुके हैं और फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट मिडफील्डर हैं, इनको बाहर रखने का रिस्क हम ले ही नहीं सकते। वहीं पर अगर अटैक की बात करें तो हमने लिया है कपूटो एंड डेसर्स को। हमने कैप्टन किया है कपूटो को एंड वाइस कैप्टन किया है मरीन को। आप चाहे तो डेसर्स को भी आराम से वाइस कैप्टन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी टीम को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये एक 0-0 गोललेस ड्रॉ रह सकता है तो आप चाहें तो परीसी को भी कैप्टन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा प्रीव्यू सीरिया के मैच क्रिमिनीज वर्सेस एम्पोली का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू व्यू स्पोर्ट चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट व्यू स्पोर्ट ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।